हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोयम एग्जाम स्ट्रेस, डायरी बुक ग्रेड 6 से। इस पोयम को लिखा है अली खाजा ने। अली खाजा फाउंडर है, हेड है बंजारा एकेडमी के। इन्होंने कई सारे पेपर्स जो है नेशनल वर्कशॉप्स में प्रेजेंट किए, साथ ही साथ इन्होंने लगभग 30 से ज्यादा बुक्स और 80 से ज्यादा बुकलेट्स लिखी है, जो भी डे टू डे लाइफ की चीजें होती हैं उनके ऊपर। हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिएटिव राइटर है। द पोयम एग्जाम स्ट्रेस प्रेजेंट्स पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल कंडीशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये जो हमारी पोयम है एग्जाम स्ट्रेस, नाम सुन के ही लगता है कि कैसी होगी। एग्जाम का स्ट्रेस किसको होता है? बच्चों को। तो एक तरह से जो बच्चों की मानसिक स्थिति होती है एग्जाम के टाइम पे, उसको एक तरह से दर्शाया गया है। Their stress, tension and nervousness is well depicted in this poem. जब एग्जाम होने वाले होते हैं तो बच्चे काफी प्रेशर महसूस करते हैं, उनके दिमाग में काफी उथल पुथल चल रही होती है, बहुत नर्वसनेस होती है। तो वो जो चीजें होती है, उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है, उसको इस पोयम में बहुत बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। पोयम शुरू करते हैं। एग्जाम स्ट्रेस पोयम। एग्जाम्स एग्जाम्स पेन इन द नेक, I have bitten all my nails, I am nervous wreck. होता क्या है, जब एग्जाम आते हैं, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो भी आप थोड़ा नर्वस फील करते हो, नहीं करी होती है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। उससे क्या होता है, आप दिन रात बुक लेके बैठे रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, उससे आपके क्या होता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, टेंशन इतनी ज्यादा होती है, मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा होने लगता है कि आपको जैसे उंगलियों के जो नाखून होते हैं आप उनको भी पूरा जो है एक तरह से मुंह से काट देते हो। इतना ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब, इतना ज्यादा परेशान फील करते हो कि हर वक्त आपको जो है एक मन में नर्वसनेस सताती रहती है कि एग्जाम होने वाले हैं। माय ऑल बुक्स ऑल पाइल्ड अप टावरिंग ऑन माय डेस्क, आई स्मेल सो बैड एंड लुक ग्रॉटस। अब होता क्या है, अब आपको जो बुक्स हैं, आप अपने आगे जो है ना इतना बड़ा एक बुक्स का ढेर लगा लेते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग्स की तरह, हाई राइज बिल्डिंग्स की तरह आपने बुक्स का ढेर लगा रखा है कि अभी हमें एग्जाम होने वाले हैं, मुझे ये भी बुक पढ़नी है, मुझे ये भी बुक पढ़नी है। किसी चीज का कोई होश नहीं रहता, ना नहाने का ना किसी चीज का। तो होता क्या है, बस आप पढ़े जा रहे हैं। तो अब जब नहाओगे नहीं तो क्या होगा, एक आप में अजीब सी स्मेल आने लग जाती है कि टेंशन हो रही है, नहा नहीं रहे हैं, प्लस कमरा जो है एक ऐसे वातावरण में भर जाता है जहाँ एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है और आप खुद भी अपने आप को बहुत अजीब सा महसूस करने लगते हो। स्ट्रेस बिल्डिंग अप, विल आई फेल, इट्स टैंजिबल नाउ, इट्स लाइक आई एम इन जेल। अब दिन पर दिन जो है जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जा रही होती है, आपके जो है एक प्रेशर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, दिमाग में हमेशा एक डर सताया रहता है कि भाई इतना याद कर लिया है फिर भी पता नहीं पास होऊंगा कि फेल हो जाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे मेरे को किसी ने मानो एक इतना ज्यादा मैं सॉलिड हो गया हूँ, इतना ठोस हो गया हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को किसी ने मानो जेल के अंदर बंद कर दिया है, दिमाग बिल्कुल ठस हो गया है मेरा। ट्रैप्ड इनसाइड माय ओन हेड विद द स्ट्रेस ऑफ इट ऑल, I am overfed. अब दिमाग में यानी मेरा जो सिर है वो इन्हीं सब चीजों से जो है बिल्कुल पूरी तरह से घिर गया है, मैं अपने ही उसमें एक घिरा हुआ हूँ। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है मेरे को मेंटली कि मैं जो हूँ उससे पूरी तरह से मेरा दिमाग जो है या मेरा जो सिर है वो फटा जा रहा है कि मैं उसमें घुसा हुआ हूँ कि मेरा पढ़ाई करनी है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, याद नहीं होगा, होगा तो फेल ना हो जाऊं, ये सब बातें जो है दिमाग में घर कर रही है। I step in the classroom. I can touch the fear in the air. I just hope my parents, my life they'll spare. अब जब एग्जाम की घड़ी नजदीक आ जाती है, डेट पास आ जाती है, आप एग्जाम देने आते हो, तो क्या होता है, जैसे ही आप क्लासरूम में कदम रखते हो तो आपको जो है ना ऐसा लगता है जैसे पूरे वातावरण में ना एक अजीब सा डर है। आप उस डर को महसूस कर सकते हो क्योंकि सभी नर्वस होते हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि वहां अगर मैं पास हो गया तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर बाई चांस मैं कहीं फेल हो गया तो क्या होगा, हे भगवान मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी बस जिंदगी को बख्श दें, इस तरह की आपके में फीलिंग्स चलती हैं। पीलिंग इज माई स्किन एंड फॉलिंग आउट इज माई हेयर, लाइफ विदाउट एग्जाम्स दैट लाइफ इज सो रेयर। जब भैया जब एग्जाम होते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे बाल गिर रहे हैं, मेरी स्किन जो है वो निकल रही है, क्योंकि टेंशन होती है, नर्वसनेस होती है, स्ट्रेस होता है। तब आपके माइंड में क्या चलता है कि काश जो हमारी लाइफ है वो बिना एग्जाम्स की होती, और ऐसी लाइफ जो है
वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, एग्जाम देने होंगे तो आपको नर्वसनेस होगी। लेकिन ये नर्वसनेस एक मेंटल कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा फील करता हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने याद किया है, तो क्या होगा, आपने अपने आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो इस तरह के स्ट्रेस को घर करने ही नहीं देगा। तो आपको ये पोएम पसंद आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।